नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस स्पोर्ट्स पर। मैं हूं नवीन चौहान। तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया सिडनी में खेलेगी। 7 जनवरी को यह टेस्ट मैच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले 2 जनवरी को बुरी खबर आ गई। दरअसल टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी, जिसमें रोहित शर्मा भी है, शुभमन गिल भी है, नवदीप सैनी भी है, पृथ्वी शॉ भी है और टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी है, ये 5 खिलाड़ी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे थे और इन पर आरोप ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ये लगा रहा है कि इन्होंने नियम का उल्लंघन कर दिया। हालांकि बीसीसीआई ने साफ कर दिया और फटकार भी लगा दी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को कि इन्होंने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया, हमारे खिलाड़ी नियम के बारे में जानते हैं। हालांकि नियम तो ये कहता है, प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि भारतीय टीम किसी रेस्टोरेंट के बाहर खाना लेकर खा सकती है, लेकिन अंदर नहीं जा सकती। हालांकि रेस्टोरेंट के जो अधिकारी हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने अंदर ऐसा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ये सब कुछ हुआ, उसके बाद ट्विटर पर कुछ फोटो पोस्ट हुई, कुछ बिल पोस्ट हुए, वो 3 सेकंड का वीडियो पोस्ट हुआ और उससे सब कुछ पतल गया। उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि आखिरकार हो क्या रहा था। क्या वाकई टीम इंडिया के खिलाड़ी बाहर खाना खाने गए थे, बस इतनी सी बात थी। और उसको लेकर अब 5 खिलाड़ियों को क्वारंटीन कर दिया गया है, आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है, यह कतई साफ नहीं है कि 7 तारीख को ये टीम इंडिया में शामिल रहेंगे, खेलेंगे टेस्ट मैच या नहीं खेलेंगे, या फिर इनका जो टाइम है क्वारंटीन का वो बढ़ सकता है, ऐसा भी पता नहीं। हालांकि अभी 5 दिन बाकी हैं 7 तारीख से, ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन बाद इनको रिलीज कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन की बात है, क्योंकि टीम इंडिया का पूरा फोकस इस वक्त अपनी जीत पर था। अपनी जीत को लेकर टीम इंडिया उत्साहित थी, क्योंकि जब हमने दूसरा टेस्ट मैच जीता और अब तीसरे पर नजर थी कि सिडनी जीतकर सीरीज को सील कर देंगे, सीरीज कम से कम हारेंगे नहीं, अपनी मुट्ठी में हो जाएगी, ये कुछ थी उम्मीदें। लेकिन जिस तरीके से ये खबर आई, इसने हर किसी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा ठीक होकर आए थे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जबरदस्त स्ट्रोक लगाए रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम पर तो जबरदस्त प्रहार रोहित शर्मा करते हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि जब इस बार मैदान पर रोहित शर्मा उतरेंगे तो धमाकेदार बल्लेबाजी करेंगे और बहुत ज्यादा परेशानी वो ऑस्ट्रेलियाई टीम को, कंगारुओं को पहुंचाएंगे। वैसे भी टीम इंडिया ने पिछले टेस्ट में ही कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर किया था। इस बार उम्मीद थी कि यहां पर दूसरा या कहें कि तीसरा टेस्ट मैच जीतकर दूसरी जीत इस दौरे पर पक्की करनी थी। देखना होगा और पल पल की अपडेट लगातार हेडलाइंस स्पोर्ट्स आपको देता रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अपडेट्स हम देते रहेंगे। नमस्कार।